प्रेस क्लब का असासा, ऐसा गोशा जहां दिलों में दबी चिंगारी वहां की फिजा में अपना वजूद खो बैठती है। धौंस और जबर की जंजीरें जहां टूट कर बिखर जाती हैं। सहाफी रश्क के साथ प्रेस क्लब को अपना हाइड पार्क मानते हैं। TN प्रोडक्शन की काविशें रंग ले आईं। तारीखी प्रेस क्लब पर पहली दस्तावेजी फिल्म पज़राई हासिल करने में कामयाब हो गई। तकरीब में निजामत के फराइज मोहम्मद कसीम सईद ने अंजाम दिए। प्रेस क्लब की जो तारीख है वो इतनी जखीम है कि इन छह दहाइयों को एक साथ समेटने के लिए हमें लग रहा था फिर 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री कम से कम आप हमें रूम दें, वरना इससे कम पे प्रेस क्लब की तारीफ जो है वो समाई नहीं जाएगी। कराची प्रेस क्लब के लॉन में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में बड़ी स्क्रीन पर दस्तावेजी फिल्म का आगाज हुआ तो सहाफियों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। ये जो स्टार्टअप है कोई वईद नहीं कि अगले चंद दिनों में, अगले चंद सालों में हम एक कामयाब कंपनी के तौर पे इसको देखें। तो साथ मेरा भतीजा है, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। तुफैल भाई आपको भी मुबारक, सईद साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपकी पहली काविश है। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मीडिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे हालात में साद बिन तुफैल जैसे नौजवानों का इस शोबे में आना अच्छा शगन है। तुफैल भाई ने और साद ने जो रास्ता चुना है तो मैं समझता हूँ मीडिया का मुस्तकबिल वही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब डिजिटल मीडिया का दौर है और प्रेस क्लब भी इस हवाले से लोगों को सपोर्ट कर रहा है और हमने नवंबर ही में एक डिजिटल मीडिया जो है स्टूडियो बनाया है जो उन दोस्तों के लिए जो डिजिटल मीडिया पे काम करना चाह रहे हैं। तो फैल साहब साथ और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि उनकी ये कंपनी जो उन्होंने बनाई TN प्रोडक्शन के नाम से वो कामयाबी की तरफ गामजन रहे और एक बड़ी कंपनी के तौर पे वो सामने आए। एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस कराची ताहिर नजमी जबकि दीगर सीनियर सहाफियों डॉक्टर तौसीफ अहमद, मकसूद यूसफी, तुफैल अहमद, AS खानजादा और इम्तियाज फरान खान ने भी कराची प्रेस क्लब पर पहली दस्तावेजी फिल्म बनाने पर TN प्रोडक्शन को मुबारकबाद पेश की। मैं इन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इन नौजवानों की पुष्ट पर तुफैल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी पूरी टीम को। कम अज कम किसी भी मकसद को लेके आगे तो आए और आगे आना ही कामयाबी है। तो ये हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कराची प्रेस क्लब के हवाले से अपनी एक जो डॉक्यूमेंट्रीज है उसका आगाज़ किया, उसको बताया। हम आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एप्रिसिएशन आपको देते हैं। तकरीब में सिटी लैब से प्रोफेसर रफ़ीक खानानी, मोहम्मदी ब्लड बैंक के CEO और प्राइम डायग्नोस्टिक के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर साजिद हुसैन, डॉक्टर हमीदुल्ला मलिक समेत दीगर भी मौजूद थे। सीनियर सहाफियों ने जहां अपनी तकरीर में TN प्रोडक्शन टीम को अपनी कीमती राय से नवाजा, वहीं तकरीब के आखिर में कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने साद बिन तुफैल और इनकी टीम को दस्तावेजी फिल्म बनाने पर शील्ड भी पेश की। मैं इसको बहुत बहुत एजाज है मेरे लिए और मैं सब आप तमाम मेरे सीनियर्स जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं मैं उन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ।